अब फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है 6x = 12, ठीक है। अब बच्चों को इधर पे कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं आपको एक चीज़ इधर पे बता दूं कि जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, तो उसमें क्या थी हमारी इक्वेशन, 3 upon 7 + x = 17 upon 7। तो इसमें क्या था कि जो प्लस लग गया था ना इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब क्या है, ये सेपरेट अलग है और ये अलग है, तो हम इसको क्या है ट्रांसपोज कर सकते हैं आराम से। लेकिन इधर पे ये दोनों साथ में प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो ऐसी कोई इक्वेशन दिखती है तो आप क्या करेंगे, जब आप किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड में होती है और राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। अगर इधर पर कोई भी चीज़ क्या है डिवाइड, इधर पर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में है, इधर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में है, जब इधर पे आप भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है। और जो भी चीज़ आप इधर पे डिवाइड में रहेगी, आप इधर पे भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो जैसे हम इसको इधर पे भेजेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, कैसे होगा, x = 12/6। इधर पे मल्टीप्लाई में था, इसको हम डिवाइड में भेजेंगे तो डिवाइड में कैसा हो जाएगा, 6x है, = 12 है, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में मैं इसको भेजूंगी तो x = 12 * 1/6, ये ऐसे डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। अब आपको पता है 6 1 = 6, 6 2 = 12, तो x = 2 आ गया। अब ये 2 आ गया तो हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, वेरीफिकेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा, 6 * 2 = 12, तो ये 12 = 12, तो ये हमारा जो है आंसर सही आया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कोई डाउट हो तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं।